नए साल की शुरुआत के साथ ही कांगड़ा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हिमाचल पुलिस भर्ती में गड़बड़ झाला करने वाले मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड विक्रम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिस मास्टरमाइंड आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 5 महीनों तक कई राज्यों की खाक छानती रही और नेपाल तक जाकर आई, आज उसी पुलिस की चौखट पर आकर इस मुख्य मुन्ना भाई ने सरेंडर कर दिया है। काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश में बीते साल पुलिस भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 1063 पदों के लिए करीब 40,000 आवेदन मिले थे और 11 अगस्त को पालमपुर के सत्संग व्यास भवन के प्रांगण में उन सब के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पहले की परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने पहले ही कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर परीक्षा हॉल में भी 5 से 7 मुन्ना भाई धरे गए जो दूसरों के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। इस तरह गिरफ्तारियों का ये सिलसिला चलता रहा और एक के बाद एक करके अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। बावजूद इसके इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड विक्रम चौधरी अभी तक फरार चल रहा था। हालांकि विक्रम चौधरी के घर पर भी पुलिस द्वारा सबसे पहले रेड की गई थी, जहां से उन्हें 11 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी, मगर विक्रम चौधरी मौके से फरार हो चुका था। बता दें कि विक्रम चौधरी कांगड़ा के ज्वाली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मुन्ना भाई विक्रम को कोर्ट में पेश कर अतिरिक्त पुलिस रिमांड की मांग करेगी, ताकि विक्रम के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं इसका पता लगाया जा सके और इतने दिन ये पुलिस को चकमा देकर कहां रह रहा था इसके बारे में भी जानने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी। मैटर आप सबको पता ही है कि पुलिस रिक्रूटमेंट के दौरान हमने केस रजिस्टर किया था, जिसमें इंपर्सोनेशन के थ्रू या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू जो है पुलिस भर्ती में कैंडिडेट्स ने कोशिश की थी कि चीटिंग करें और अनफेयर मीन्स यूज़ करके किसी तरह से भर्ती प्रक्रिया में पास होने की कोशिश उन लोगों ने की थी। उसमें काफ़ी लोग हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, लगभग 34 लोग इस केस में ऑलरेडी अरेस्ट हैं, लेकिन तथाकथित मास्टरमाइंड जिसके बारे में कहा जा रहा था विक्रम चौधरी, आज उसने मेरे ऑफिस में आकर के यहाँ आत्मसमर्पण किया है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसकी इंटरोगेशन के बाद आगे की जो भी सिचुएशन बन पाएगी फिर अकॉर्डिंगली हम लोग वैसी कार्रवाई करेंगे। आज हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, कल उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और अकॉर्डिंगली रिमांड उसका मांगेंगे, तो मैक्सिमम 15 दिन तक वो हमारे रिमांड पर रह सकता है। पर ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितना रिमांड पुलिस रिमांड जो है उसका हमें मिल पाता है। जितना भी मिल पाएगा उसमें इंटरोगेट करके हम सारी इन्वेस्टिगेशन को और सारे तथ्यों को निकालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये भी पहलू रहेगा कि वो इतने दिन कहाँ रहा और किसने उसको शरण दे के रखी थी, क्योंकि शरण देना भी अपने आप में अपराध है। सो वो पहलू भी होगा और जो मेन केस है हमारा मेन फोकस है कि किन किन लोगों को उसने जो है एग्ज़ाम पास करने में इस बार मदद की या इससे पहले भी पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मदद की, या किसी पुलिस के अलावा अन्य विभागों में भी अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इन्होंने कोशिश की होगी या लोगों को पास करवाने की ऐसी चेष्टा की होगी, उसके बारे में भी सारी छानबीन गहनता से की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।